बेटी की एंट्री तोड़ी मैंने बैंक से, क्योंकि मेरी मां ने मुझे कहा कि ये वो समय है जब चुनाव हम लड़ते हैं तो अपने लोगों को बोलते हैं आप हमारे परिवार हो, आज इन परिस्थितियों में तुमको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम परिवार मानते हो सबको। और डी कराने वाले माफिया में किसी को सजा मिली है? जो करोड़ों बच्चे आज बेकार उनकी जिंदगी हो रही है, आर्मी में भर्ती होती है 18 से लेकर 21 साल की उम्र तक, क्या 22 साल का नौजवान बूढ़ा हो गया है? बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपनी बेबाकी और पार्टी के विरोध में बोलने के लिए जाने जाते हैं। आए दिन चाहे मुद्दा राशन कार्ड से जुड़ा हो या बेरोजगारी का, वो सरकार के खिलाफ हमेशा लिखते और बोलते आए हैं। इसी क्रम में वरुण गांधी ने पीलीभीत के ब्लॉक बिलसंडा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर बोले। सबसे पहले वो राशन कार्ड पर कहते हैं, कोई गांव नहीं है उत्तर प्रदेश में जिसमें गलत तरीके से लोगों के राशन कार्ड न कट रहे हो। मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? 50 लाखों लोगों के, 5 लोगों के राशन कार्ड कट चुके हैं। आपने देखा, मैं अकेला व्यक्ति था जिसने आवाज उठाई एक हफ्ते पहले, और अगले दिन उत्तर प्रदेश सरकार को कहना पड़ा कि नहीं भैया, हम प्रक्रिया नहीं बदलेंगे, जैसे कि वैसे ही रहेंगे। भाइयों, सरकार का काम है अपनी बात रखना, सरकार का काम है अपने राज को स्थापित और गहरा करना। हम लोगों का काम बेमतलब का खिंचाव नहीं, बेमतलब की लड़ाई नहीं, लेकिन हमारी मर्यादा, हमारा आत्मसम्मान, हमारा हक कुछ ना जाए, इसकी देखरेख, इसकी जिम्मेदारी हमारे खुद की है। जिम्मेदारी से एक बात बोल रहा हूं, आप जानते हो मैं 100% ईमानदार व्यक्ति हूं, और जब तक मेरे रगों में खून है आप कभी अपने आप को अकेले नहीं पाओगे अपनी लड़ाई में। इसलिए मैं न धर्म देखता हूं, न जात देखता हूं, न अमीर गरीब देखता हूं, न फायदा नुकसान देखता हूं। मैं केवल एक चीज सोचता हूं कि जुल्म करना जितना पाप है, जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। और इसी दौरान कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया, जब कोरोना का बहुत भयानक रूप हमारे सामने आया था, उत्तर प्रदेश के जितने जनप्रतिनिधि थे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 80% अपने घर के बाहर भी नहीं निकले थे, लेकिन मैंने ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जिसका दौरा नहीं किया। उस समय मैं हफ्ते में एक बार आता था, और जितनी दवाइयां पूरे पीलीभीत में बटी अस्पतालों में वो सब मेरे जेब से, जितना ऑक्सीजन अस्पतालों में बटा, बताइए मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? मैंने अपने बच्चे की एंट्री तोड़ी, अपनी बेटी की एंट्री तोड़ी मैंने बैंक से, क्योंकि मेरी मां ने मुझे कहा कि ये वो समय है जब चुनाव हम लड़ते हैं तो अपने लोगों को बोलते हैं आप हमारे परिवार हो, आज इन परिस्थितियों में तुमको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम परिवार मानते हो सब। वही रोजगार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए उन्होंने कहा, उन युवाओं के 80,000 चिट्ठी मैसेज ट्विटर और फेसबुक पे मुझे रोज मैसेज आते हैं, वो मुझसे प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न क्या होते हैं? वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे देश को मिला के 26 एग्जाम पेपर लीक हुए हैं पिछले एक साल में, आउट हुए हैं। अभी बिहार का पेपर कैंसिल हुआ था, बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम का पेपर बीपीएससी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उनको लीक कराने वाले माफिया में किसी को सजा मिली है? जो करोड़ों बच्चे आज
पूछता है कि भैया कुछ लक्ष्मी दर्शन किनारे में कर दो तो जितना मर्जी लोन लेना है ले लो, क्या मैं सही कह रहा हूं? उद्योगपतियों को 90% पैसा लोन का मिलता है, जिनकी सालाना कमाई हजारों करोड़ है, और एक आम आदमी के बेटे को 1 रुपए का लोन नहीं मिलता। अब जब लोन भी नहीं मिलेगा, अपने व्यापार अपने किसानी में निवेश करने के लिए रुपए नहीं मिलेंगे और सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो नौजवान की संध्या क्या शाहजहांपुर का पीलीभीत का कहां जाएगा नौकरी ढूंढने, कैसे अपने पालन पोषण करेगा? पीलीभीत के बिलसंडा कस्बे में सांसद वरुण गांधी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में आपने सुना कि वरुण गांधी ने अपनी दोनों ही सरकार के खिलाफ खुलकर बोला। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, आए दिन उनके ऐसे बयान ट्वीट के माध्यम से देखे जाते हैं। पीलीभीत से सौरभ पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।